सो गाइज़ एस की तरफ से फाइनली अपडेट्स आ चुकी हैं पेट के बाद का जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड तो अगर आपने क्वालिफाई किया है पेट जो 2021 में हुआ है वो या फिर अगर आप एक्जटेड थे और आपको इंटरव्यू देना है तो भी तो आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है बिकॉज लेटेस्ट अपडेट आई है जिसे कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सो हेलो एवरी वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल सो सबसे पहले आपको विजिट करना है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कि है यू एन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो चेक कर लीजिएगा सो so, जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो देखिए न्यूज एंड अनाउंसमेंट्स का सेक्शन है उसे ओपन कर सकते हैं उसमें भी मिलेगा अदरवाइज आप सिंपली पी एडमिशन प्रोसेस ट्वेंटी के इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा सो so, दैट ये जो लॉग इन पोर्टल है वो ओपन हो जाए और आपको पता है कि पीएचडी से रिलेटेड सारी अपडेट यहीं पर मिलती है ठीक है सो so, स्क्रॉल करने के बाद आपको पता है इंपॉर्टेंट नोटिस का यहां सेक्शन होता है व्यू ऑल पे हम क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल तो अभी भी ये न्यूज होगी बट यहां पे हम एक पे क्लिक कर देंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा सो so, पहले हम इस पे क्लिक करते हैं स्टॉप करते हैं एंड फिर बाकी जो अपडेट है उसे डिस्कस करते हैं सो येस यहां पे देखिए फर्स्ट वाला जो नोटिस है वो रिलेटेड है किस से सो चेंज ऑफ रिसर्च सेंटर से सो so, क्यों ऐसा आया है सो देखिए बेसिकली सेंटर वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो वेकेंट सीट्स है वो फिर से रिवाइज बताई गई हैं फाइनल सीट्स हैं ये गाइडवाइज जिस पर्टिकुलर सेंटर के लिए आपने अप्लाई किया है क्या उसमें अभी है, या अगर, suppose, आपको लगे कि कि किसी और सेंटर में ज्यादा में अप्लाई करना चाहते हो सो तो यस उसी के लिए नोटिफिकेशन है नौ अक्टूबर से पहले पहले नाइन्थ ऑफ अक्टूबर से पहले आपको चेंज करना हो अगर तो आप कर सकते हैं सो तो यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप चेंज करना चाहे तो कर लीजिए नहीं करना है तो नो no प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि आप सब करें ठीक है तो so अभी हम वेकेंट भी बात करेंगे because ये प्लीज इट्स माई रिक्वेस्ट कि एक बार चेक कर लीजिएगा इसे एक बार देख लीजिएगा जरूर ओके okay? सो so अब हम सबसे पहले ऑब्वियसली सर्कुलर को देखेंगे ये जो नोटिफिकेशन है सेंटर चेंज को करने को लेकर उसे हम देखेंगे उसके बाद हम सीट्स को देखेंगे एंड नाइन्थ तक की डेट दी गई है सो so होपफुली अभी यू नो अराउंड लाइक फिफ्टीन अक्टूबर के बाद आई थिंक या फेस्टिवल्स के बाद हो okay, होके आपको ज़रूर इंटरव्यू के लिए नोटिस मिलेगा और इसमें लिखा भी है कि सब्सिक्वेंट फेसिस में आपके इंटरव्यू होने हैं सो रिसर्च सेंटर की तरफ से आपको ज़रूर नोटिफिकेशन मिलेगा सो प्लीज़ अगेन सेकेंड रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक रिसर्च प्रपोजल पर वर्क नहीं किया है तो कर लीजिए और अगर किया है तो वेल एंड गुड आप प्रिपेयर कीजिए दैट्स इट सो चलिए सर्कुलर को ओपन करते हैं सो so, यस yes, ये है सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग ऑप्शन फॉर चेंज ऑफ रिसर्च सेंटर बोल्ड में लिखा हुआ है यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड एज क्वालिफाइड और हु वर एक्जेप्टेड इन द पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2021 ट्वेंटी वन विच वॉज कंडक्टेड ऑन फिथ सेप्टेंबर नीड्स टू अपियर फॉर इंटरव्यू इन सब्सिक्वेंट फेजेस एट रिसर्च सेंटर तो जिस भी रिसर्च सेंटर को आपने ऑप्ट किया था अब आपको उसके लिए सबसेक्वेंट फेजेस में इंटरव्यूज होंगे तो अपियर होना है करेक्ट इन व्यू ऑफ फाइनल रिवाइज वेकेंट पोजिशन बट क्या हुआ है कि रिवाइज किया गया है तो अभी सब्जेक्ट वाइज और सेंटर वाइज जो फाइनल सीट हैं वो थोड़ी सी रिवाइज हुई है जरूरी नहीं है सब में हुई हो बट जो भी हुई हैं फाइनल लिस्ट अवेलेबल है सो so इसीलिए अभी आपको ये चांस दिया जा रहा है कि अगर आप चाहें तो रिसर्च सेंटर चेंज कर सकते हैं So, वही लिखा हुआ है एंड द सेम हेज बीन अपडेटेड ऑन द वेबसाइट ऑप्शन ऑफ चेंज ऑफ रिसर्च सेंटर ऑफ चेंज ऑफ रिसर्च सेंटर तो लॉग अभी हमने इसीलिए वो पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन की थी बिकॉज उसी के थ्रू आपको लॉग करना है अगर आप चेंज करना चाहें तो एंड इसकी लास्ट डेट नाइन्थ अक्टूबर होगी तो अगर आपने चेंज किया तो क्या आपको कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है तो नहीं आपको कुछ भी यूनिवर्सिटी में सेंड नहीं करना है, ये भी क्लियरली लिखा है चेंज करते हैं तो बस दैट्स इट आपको सिर्फ ऑनलाइन चेंज कर देना है बाकी जब वहां पे इंटरव्यू होगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा करेक्ट एंड अगर कोई चेंज नहीं करे तो नो no प्रॉब्लम जो सेंटर ऑप्ट किया है उसी में आपका इंटरव्यू होगा राइट right? सो so, अब हम एक बार ओपन कर लेते हैं नए जो लिस्ट आई है उसे सो so, येस yes, ये है वेकेंट सीट फॉर पीएचडी एडमिशन रिसर्च सेंटर वाइज सब्जेक्ट वाइज आपको देखने को मिल रही है सो so काफ़ी अच्छे अच्छे रिसर्च सेंटर्स थे जैसे एटमोस्फेरिक साइंसेस के लिए आईआईटीएम पुणे का ये जो सेंटर है वो भी अवेलेबल था और इसमें टोटल सीट्स हैं 177 हंड्रेड एंड सो देखा आपने और ऑब्वियसली पहले भी अवेलेबल थी काफ़ी सारी सीट्स डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स में तो ये जो सेंटर्स हैं ऐसा नहीं है सिर्फ सेंटर्स हैं यूनिवर्सिटी का भी डिपार्टमेंट है दैट इज़ एस तो है ही और साथ में जो अफिलिएटेड सेंटर्स है या जिस जिन सेंटर्स में अगर आप चाहें तो तो इनसे जो अफिलियटेड उनमें भी रिसर्च कर सकते हैं ये चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई हैं सो तो देखिए सबसे पहले साइंस और टेक फैकल्टी है एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस साइंसेज है जिसमें आप दो सेंटर्स देख रहे हैं पहला तो डिपार्टमेंट है जो एस का है सेकेंड है आई, आई पुणे का तो एस के डिपार्टमेंट में येस एट सीट्स है और बाकी आई पुणे में वन हंड्रेड है एंड येस ये रिवाइज है फाइनल है उसके बाद है बेसिक मेडिकल साइंस जिसके अंडर आप देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में एक सीट है और फिर है बायो इन्फॉर्मेटिक्स तो जो एस पी पी यू का बायो इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है उसमें एट सीट है और सिर्फ वही अवेलेबल है फिर बायो केमिस्ट्री में डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में सीट है एस पी पी यू के फिर बायो केमिस्ट्री में जो नेक्स्ट है सेकेंड नंबर पर वहमदनगर का कोई कॉलेज है ठीक है रिसर्च सोसाइटी आई थिंक एजुकेशन सोसाइटी इसमें सिक्स सीट्स है देन बायोकेम के लिए ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में वन सीट है ओके okay? इसी तरह आप प्लीज़ अपने सब्जेक्ट का जो भी रिसर्च सेंटर है उसमें सीट कितनी है आपके कैटेगरी की सीट कितनी है देख लीजिए बिकॉज ये फाइनल है अब डायरेक्टली आपका इंटरव्यू ही होना है चेंज करना हो तो कर सकते हैं देखिए थर्टी एट पेजेस हैं अगर मैं ऑब्वियसली अगर आप बोलें तो हम जरूर पूरा डिस्कस कर सकते हैं आप बोलेंगे कैसे बिकॉज आप तो बाद में वीडियो देखेंगे सो एनी देखिए बट आपको पता है ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा एंड थोड़ा मोनोटनस हो जाएगा जिसके लिए जो इंपॉर्टेंट हो आप देख लीजिएगा इसे मैं जरूर टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी वैसे आपको बता दिया आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं so सो आप डाउनलोड कर लीजिए सब्जेक्ट्स तो आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी एंड दैट इज वाई आप सभी ने आई मीन काफी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और रिजल्ट आने के बाद काफी बार आपने पूछा है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जैसे कमेंट्स में या फिर मेल भी किया है सो फाइनली अपडेट आ चुकी है इंटरव्यू भी बहुत ही जल्द शुरू हो, शुरू होगा स्टार्ट होगा सो दैट इज इट ये थी अपडेट प्लीज इसे देख लीजिएगा अच्छे से एंड यस लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज अब चेक सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज आई थिंक सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी है मैंने ठीक है आपने बोला भी था सो येस दैट इज इट डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग